हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्रैवलर यूके 13 में। मैं हूँ अभी गोपेश्वर में। जाएंगे यहाँ से देवलधार क्रिकेट खेलने के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मेरे साथ है स्वयंवर। तो गाइस, अब निकल चुके हैं हम अपने सफ़र के लिए। दोस्तों, दर्शन कर लेते हैं गोपीनाथ रुद्रेश्वर महादेव जी के। जय भोले। तो दोस्तों, अभी हमें मंदिर मार्ग पर, यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर होने के कारण इस मार्ग को मंदिर मार्ग कहा जाता है। और यहाँ पर दोनों साइड ही दुकान है, यही यहाँ का मेन मार्केट यहाँ पर है। दोस्तों, हम अभी गोपेश्वर के मेन मार्केट में, और यहाँ पर का बस स्टैंड भी है। और आप यहाँ से आगे देख सकते हो, यहाँ से दो रोड जाती हैं। ये जो रोड राइट हैंड के लिए जा रही है, ये जाती है चमोली के लिए, और ये जिस पर हम जाएंगे ये जाती है मंडल चोपता के लिए। दोस्तों, ये आप नीचे जो देख पा रहे हो, ये पुलिस ग्राउंड, यहाँ भी मैच चल रहे हैं। लेकिन आपको अभी दूसरी जगह लेके चलूँगा, पहले यहाँ का आपको थोड़ा दिखा लेता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये ग्राउंड है, और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है। और अब हम चलते हैं आगे के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पेट्रोल पंप से दो रोड जाती हैं, जो राइट हैंड के लिए जा रही है वो लोकल रोड है, और ये जो लेफ्ट हैंड के लिए जा रही है, ये जाती है मंडल चोपता के लिए, जो आगे रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है। दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। सर, अभी हम 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और अब हमें यहाँ से चलना है, अभी 4 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ का नाम है देवल। बता दूँ, यहाँ से गोपेश्वर का पूरा नज़ारा दिखता है, वही मैं आपको अब यहाँ से दिखाऊंगा। तो गाइस, देख सकते हो आप गोपेश्वर का सुंदर नज़ारा, और अब आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम सगर गांव पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ के कितने प्यारे प्यारे गांव हैं ये। और यहाँ से आप कैंपिंग और ट्रैकिंग वगैरह का यहाँ पर आपको सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। तो गाइज, ये कल हमने पुल पास, और प्यारी प्यारी लोकेशन यहाँ पर हैं। मिल गए हमारे जो हमारे प्लेयर हैं यहाँ पर, ये अमित है इनका नाम। तो गाइज, ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे हो रहा है मैच, वहीं हमें अभी जाना है। 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है यहाँ से, ये देख सकते हो आप। पहाड़ के मैच खेतों में ही होते हैं। अमित हल्के हल्के कदम से सामने हमें हेतु, और फिर से सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए गेंद की, और फिर से गेंद की गेंदबाजी से आपने गेंद की, और फिर से खेल गया से यहाँ पे अपने लेग साइड में, जब तक संजय भाई गेंद के पास जाते तब तक 1 रन दौड़कर आसानी से टीम के खाते में जोड़ा, और अपना खाता भी गेंद लेकर चले गेंद की, और अच्छी गेंद पार करते हुए गेंद की, और जोरदार जीते सामने हमें हित, और अच्छी गेंद यहाँ पे सम्मान के साथ रहता छोटा सा रन अप, और गेंद की गेंद बिल्कुल चले हल्के हल्के कदमों से गेंद की, और फिर से बिल्कुल और अंपायर को पार किया गेंद की, और कटकी हुई गेंद, और थोड़ा सा लो स्लोअर डिलीवरी गेंद की, और फिर से अच्छी गेंद, और खेल गया यहाँ पे फील्डर मौजूद, जब तक गेंद खेल रही थी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इसी 1 रन के साथ टीम, क्योंकि इसको 21 रन और 1 विकेट महत्वपूर्ण राहुल के रूप में प्रतिदिन जा चुका है, तो काफी जबरदस्त थे। अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग थे,
शंकर हल्के उसके कदम से पैर पार किया गेंद की और फिर से बिल्कुल पट की गेंद और लेग स्टंप से काफी पहाड़ और व्हाइट का इशारा सामने आ जाए गेंद की और अच्छी फील्डिंग यहाँ से गेंद की और उठा दिया जाते कैच होना चाहिए अबे खेलना भी नहीं था यहाँ पर अबे यार फिर से जाते फिल्डर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जाते मोहित को पता है कि बिल्कुल जोखिम की जरूरत काफी टप्पा नहीं मार रहा वो अच्छे खिलाड़ी को अजय के खेल की काफी जबरदस्त मार करते हुए प्रवीण गेंद की मार्च पे चले हल्के हल्के कदमों से गेंद की मिर्ची रोकी हुई गेंद चले अगली गेंद शंकर की और जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी से एक रन और मोहित ने तीन के खाते में जोड़ा तीन का स्कोर 31 रन बरकरार है तो फिर से शंकर की अगली गेंद और कुछ कदम शंपाल को पार करते सामने हितेश और उठा के छोड़ गया फील्डर गेंद की दिशा में दौड़ते हुए जब तक गेंद फिर होती नवा ओवर लेके आए हैं भाई। और उठा के खेलेगा कैच आउट का खतरा था वहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और अंपायर का इशारा हल्के कदम से अंपायर को पार करते सामने पार करते सामने उतराना काफी जय हिंद करते सामने उतराना और उठा के खेल गया गेंद जारी हवा में कुछ नहीं यार तीना 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 अरे भाग भाग ये तो मजा आ गया पार के पार करते सामने हिमेश राणा बहुत बढ़िया काफी करते सामने हार्दिक और उठा के खेल गया रहे ना लाता सामने फील्डर मौजूद की समाप्ति पे टीम का पड़ताल स्कोर 82 रन और हार्दिक ने भी इसी ओवर के साथ अपना खाता खोला टाइम काफी हो गया है और अब हमें घर निकलना है तो अब निकलते हैं घर तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड धन्यवाद।